हाय गाइस, दिस इज विनीत हियर। तो आज RRB प्योर मेंस था, उसमें मैं अपने अटेम्प्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ओवरऑल एग्ज़ाम जैसा होता है, पिछले साल जैसा था RRB प्योर मेंस लगभग वैसा ही था। मतलब मैंने दिया तो नहीं था, बट मेमोरी बेस्ड पेपर्स ये सब सॉल्व किए थे, उसके अकॉर्डिंगली मुझे लगा लगभग वैसा ही था। इस साल बोल सकते कि कंप्यूटर थोड़ा टफ था, GA तो टफ आ ही रहा है आजकल। आई मीन बैंक के एग्जाम में फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस से कुछ पूछा ही नहीं जा रहा है, तो चाहिए तो अब और डीप में करना पड़ेगा। तो टोटल मेरे अटेम्प्ट्स कितने रहे, मैं आपको बताता हूँ। LR में मैंने 31 किया है आउट ऑफ 40। QA में मैंने 19 किया है आउट ऑफ 40। इंग्लिश में मैंने 31 किया है आउट ऑफ 40। तो इंग्लिश भी एकदम इजी भी नहीं था, बट हार्ड भी नहीं था, मॉडरेट बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा डीप में आपको पढ़ना पड़ता आंसर करने के लिए। GA तो टफ था, मैंने पढ़ा तो था काफ़ी, बट इतने क्वेश्चंस आए नहीं जितने आने चाहिए थे। तो इसमें मैंने 15 किया है, अब देखते हैं एक्यूरेसी क्या होगा। सेक्शनल कट ऑफ GA का आप देखते हैं, आई होप थोड़ा कम ही हो। पिछले 2 साल का मैं देख रहा था अराउंड 4.55 रहता है, इस बार देखते हैं क्या होता है। एंड कंप्यूटर अवेयरनेस भी इजी तो नहीं था, सो इसमें मैंने 24 या 25 किया है, और 2-3 मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया था। सो अराउंड मेरे टोटल अटेम्प्ट्स अराउंड 120 है, टोटल अटेम्प्ट्स अराउंड 120 थे, 121 या वैसे ही कुछ होगा। तो देखते हैं, कट ऑफ तो मुझे लगता है कट ऑफ तो क्लियर हो जाना चाहिए सिंस माय एक्यूरेसी इज गुड। आप बताइए मुझे आपके अटेम्प्ट्स क्या रहे हैं RRB PO मेंस में, और आपका स्टेट एंड कैटेगरी, तो जिससे हम आइडिया लगा पाए कि क्या हो सकता है फाइनल कट ऑफ्स। एंड इसका मैंने एज पर क्लासेस एंड कैंडिडेट्स एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का ये बना है, तो ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये ±3 होगा मेंस का कट ऑफ जो है, वैकेंसी और ये सब के अकॉर्डिंगली। अराउंड मुझे लगता है 90 के आसपास भी जा सकता है, किसी किसी स्टेट का 90-92 हो सकता है, बट मोस्टली 85 से 90, 80-90 रेंज करेगा। तो मैं एक बार स्क्रॉल कर लेता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं सब स्टेट्स का कट ऑफ। ये याद रखिएगा कि ±3 ±5 हो सकता है। सो दिस इज इट। आपको और कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड जहां तक हम रिजल्ट्स की बात करें, तो पिछले बार रिजल्ट RRB PO मेंस का विद इन 20 डेज आ गया था। RRB क्लर्क मेंस का तो रिजल्ट हमें पता है कि 1 जनवरी 2023 को आने वाला है अकॉर्डिंग टू IBPS कैलेंडर। तो RRB PO मेंस का विद इन 3 वीक्स 20-25 डेज के अंदर आ जाना चाहिए, तो अक्टूबर में ही आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा जो भी है। एंड इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन, अगर आपके अटेम्प्ट अच्छे हैं तो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कीजिए। एंड RRB PO मेंस का भी रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट होगा आफ्टर इंटरव्यू, वो भी आई थिंक इट इज शेड्यूल्ड टू बी डिक्लेयर्ड ऑन 1 जनवरी 2023। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब IBPS क्लर्क मेंस है आपका बहुत सारों का, तो ऑल द बेस्ट फॉर इट। मैं IBPS PO का प्रिपेयर कर रहा हूँ सिंस मैंने IBPS क्लर्क भरा नहीं था। सो मैं आपको मेरे जो भी प्रीलिम्स के मॉक या कुछ दूंगा तो मैं वो शेयर कर दूंगा। एंड इफ यू हैव विजिटेड द चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी अपडेट। एंड ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।